हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है एंडोक्राइनोलॉजी, उसका टॉपिक देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड टिश्यूज। तो हम लोग सिनॉप्सिस से ही स्टार्ट करेंगे आज। सिनॉप्सिस में देखते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें हम लोग कंपेरेटिव देखेंगे तो हम लोग पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स पांचों में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस, कंक्लूजन और रिफ्रेंस। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टिश्यू अपने मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में डाइवर्सिटी या फिर विविधता शो करता है। डिफरेंट डिफरेंट क्लास के एनिमल में मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। मैमल में एड्रिनल ग्लैंड मॉर्फोलॉजिकल बेस पर ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है, जो कि ब्राउन कलर की दिखाई देती है। एड्रिनल ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी से पता चलता है कि यह कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पार्ट में डिवाइडेड होती है। उसके बाद देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड का लार्ज पोर्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स से कहलाता है, जो कि पेरिफेरली लोकेटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड की स्मॉल पोजीशन को मेड्यूला कहते हैं, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड को कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कैप्सूल कवर किए रहती है। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। द एड्रिनल ग्लैंड आर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ हारमोन इंक्लूडिंग एड्रीनेलिन एंड द स्टेरॉइड एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रारिनल ग्लैंड आर स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर मेनली टू पार्ट से मिलकर बना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। मैमल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल्स में एड्रिनल ग्लैंड टू टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, क्रोमैफिन टिश्यू और स्टेराइडोजेनिक टिश्यू। तो पहला देखेंगे क्रोमैफाइन टिश्यू। क्रोमैफाइन टिश्यू नेम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें डार्क ब्राउन क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनर पोर्शन या एड्रिनल मेड्यूला का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमैफिन टिश्यू स्पेशली न्यूरल क्रिस्ट से ओरिजिन हुए हैं। उनके पॉली नेडरल सेल्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियोनिक सेल के बाद मॉडिफाइड होते हैं। इस प्रकार वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक सेल द्वारा इनर्वेटेड आच्छादित होते हैं। ये सेल्स उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। क्रोमैफिन सेल लार्ज अमाउंट में इपिनेफ्रिन एंड स्मॉल अमाउंट में नॉर इपिनेफ्रिन का सिक्रेशन करती है। ये दोनों हार्मोन सम डिफरेंस में एनिमल को स्ट्रेस के पीरियड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टेराइडोजेनिक टिश्यू। स्टेराइडोजेनिक टिश्यू नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स के स्टेराइडोजेनिक टिश्यू इंटरनल पॉलीहेड्रल एपिथेलियल सेल से मीजोडर्म के बने होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। यह टिश्यू और आउटर पोर्शन और एड्रिनल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। यह स्टेराइडोजेनिक टिश्यू कॉर्टेक्स रीजन में थ्री पार्ट, जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड, मेड्यूला और कॉर्टेक्स का। तो आप लोग डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग पाइसेस में देखेंगे। पाइसेस में फिशेस आते हैं, तो फिशेस में देखेंगे। ठीक है, तो फिशेस का इंटरनल बॉडीज ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी के पोस्टीरियर एंड के बीच बिटवीन प्रेजेंट होता है। दिस बॉडीज आर
येलो कलर या फिर गेरुआ पीला का स्रोत होता है या फिर गेरुआ पीला कलर का होता है। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड एरोटा महाधमनी के सेगमेंटेड ब्रांचेस में प्रेजेंट क्रोमेफिन बॉडी को पेयर्ड जोड़ा जा सकता है। टीलियोस्टफिसेस में इंटर रिनल एंड क्रोमेफिन बॉडीज सेपरेटेड होते हैं। इंटर रिनल बॉडीज पिंकिश कलर के होते हैं। सम टाइम ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी से इम्बेंडेड होते हैं। क्रोमेफिन बॉडीज कैरेडिनल वेंस के वॉल के एंटीरियर एंड में पाया जाता है। इलास्मो ब्रांच फिश किडनी में स्मॉलर मास एंड मेजर मास में फॉर्मेशन में इंटरनल टिश्यू वेरियसली कंसंट्रेट रहता है। क्रोमेटिन टिश्यू किडनी में लाइन बनाकर अरेंज्ड रहते हैं तथा इंटरनल टिश्यू के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये टीलियोस्ट का डायग्राम है और अलग अलग टाइप के जो किडनी होते हैं उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग एम्फीबियंस में देखेंगे। कॉर्टिकल एंड मेड्यूलरी पोर्जन एक दूसरे के साथ निकटता शो करते हैं। इन एनिमल में ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी वेंट्रल सरफेस पर अरेंज येलो कलर की बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये बॉन्ड्स टू टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, इंटर रिनल एलिमेंट्स और क्रोमेफिन टिश्यू सेल। फॉर्मर सेल पूर्वकालिक सेल डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल कॉलम में अरेंज किए जाते हैं, जबकि लेटर सेल पूरे ग्लैंड में इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद है एड्रिनल टिशुइन एम्फीबियन यूरोडिला एम्फी ह्यूमा। तो यूरोडेल्स में देखते हैं, यूरोडेल्स में एड्रिनल ग्लैंड लेस कॉम्पैक्ट कम सघन होती है। इंटर रिनल एंड क्रोमेफिन बॉडीज आपस में मिले हुए पाए जाते हैं जो ऑफिस्थोन पोर्स को पूरी लेंथ तक फैले रहते हैं। फिर देखते हैं रेप्टाइल्स, इनमें इंटर रिनल एंड क्रोमेफिन बॉडीज अधिकतर आपस में मिले हुए पाए जाते हैं। कुछ में क्रोमेफिन सेल एड्रिनल ग्लैंड के डॉर्सल साइड की ओर कंसंट्रेटेड होते हैं। फिर है इसमें हम लोग देखेंगे मगरमच्छ में, क्रोकोडिलिया में, इसमें क्रोमेटिन टिश्यू इंटरनल टिश्यू में बिखरा रहता है और सप्रेस हो जाते हैं एंड समर में डेवलप हो जाते हैं। इस बात को रॉबर्टसन एंड यूलेक्स्टर ने 1959 में बताया। ये एड्रिनल टिश्यू इन रेप्टिलिया जिनमें क्रोकोडिलिया और स्नैक में दोनों का डायग्राम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एवीज में, बर्ड्स के एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन मैमल्स के समान ही होता है। गोनेट्स एड्रिनल ग्लैंड के वेंट्रिकल सरफेस पर पाया जाता है। इनमें एड्रिनल ग्लैंड येलो गेरुआ पीला कलर का होता है। क्रोमेफिन टिश्यू एंड इंटरनल टिश्यू एक दूसरे के साथ गहन रूप से अटैच्ड होते हैं। क्रोमेफिन टिश्यू इंटरनल टिश्यू पर तक फैला रहता है और यहाँ क्रोमेफाइन टिश्यू का रेशियो इंटरनल टिश्यू के रेशियो से अधिक होता है। और यह एड्रिनल ग्लैंड इन बर्ड्स का डायग्राम है यहाँ पे। उसके बाद है होलोमस ट्यूलस एंड प्लीरिलिप्स ने बताया कि मेराइन वाटर में पाए जाने वाले बर्ड्स में फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले बर्ड्स की तुलना में एड्रिनल ग्लैंड बड़ा होता है। और यहाँ पे इसका हिस्टोलॉजी दिया गया है, तो आप लोग ये चार्ट को बना लेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। और यहाँ से जो जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस से कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेशंस होते हैं उसको भी यहाँ पे दिखाया गया अच्छे से, तो डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग सुपर रिनल ग्लैंड
ये एड्रिनल ग्लैंड के आउटर मोस्ट लेयर हैं। इससे एल्डोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहाँ पे डायग्राम है तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कॉर्टेक्स लेयर स्ट्रक्चर। यह मुख्य तीन भागों से मिलकर बना है, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसका फॉर्मेशन कॉल्यूमिनल सेल से होता है। इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप का होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा जोन में लार्ज वाइट सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत से वाइट सेल इस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। साइज देखते हैं तो सेल वेरी स्मॉल होते हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। वाइट सेल से मुख्य रूप से एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन भी होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा मैनी लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। जोना फेसिकुलेटा लेयर मिडिल लेयर हैं। यह सबसे लार्जेस्ट लेयर होते हैं। जोना फेसिकुलेटा का लेयर क्यूबॉइडल सेल और पॉलीहाइड्रल शेप का होता है। सेल समांतर अरेंज होते हैं किंतु स्ट्रेट होते हैं। सेल लार्ज साइज के होते हैं तथा लिपिड ड्रॉपलेट से बने होते हैं तथा फैटी एसिड का से कंपोज्ड होते हैं। जोना फेसिकुलेटा जोन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसके बाद है जोना रेटिकुलरिस। यह आउटर कॉर्टेक्स रीजन का इनर मोस्ट लेयर है। लिपिड ड्रॉपलेट इस जोन में जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फेसिकुलेटा से अपेक्षाकृत कम होता है। इसके इनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नेटवर्क रो ऑफ सेल से होता है और स्म्यूसेट सेल से लाइंड होते हैं। दे सेक्रेटेड सेक्स हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कंक्लूजन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टिश्यू मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में डाइवर्सिटी शो करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एड्रिनल ग्लैंड का शेप एंड साइज कलर चेंज होते रहता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड में क्रोमैफिन टिश्यू एंड स्टेराइडोजेनिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमैफिन टिश्यू में क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेराइडोजेनिक टिश्यू स्टेराइड्स पी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं रेफरेंस। तो एंडोक्राइनोलॉजी बाय पीजे बेंटले और एंडोक्राइनोलॉजी बाय मैक ई हार्डले एंड लेविन। और लास्ट में है बाइनेट। तो अगर आप लोगों को नोट्स हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।